गाडरवाड़ा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा रहवासी क्षेत्र में चबूतरे तोड़े जाने और विवाद की बात पर रहवासियों ने पुलिस और खनन कारोबारियों पर मिलीभगत का इल्जाम लगाया। गाडरवाड़ा में थाने के महज 100 मीटर दूर पर रेत का कारोबार कर रही कंपनी के दर्जन भर गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया, साथ ही चैक पर बने चबूतरे को भी तोड़ दिया। एक स्थानीय युवक से जमकर मारपीट की, साथ ही स्थानीय लोगों की माने तो देर रात को आधा दर्जन गाड़ियों में सवार रेत कंपनी के लड़कों ने हाथों में बंदूकें और लाठियां लहराते हुए देर रात तक दहशत फैलाई। इसी बीच पुलिस पर भी रेत कंपनी का साथ देने का आरोप लगाया जा रहा है। सुबह इसी घटना को लेकर गाडरवाड़ा के लोग इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाने पहुंचे, साथ ही एसडीएम राजेश शाह को ज्ञापन देकर मांग की कि ऐसे अमन पसंद शहर में दहशत फैला रहे लोगों को रोका जाए। मुझे भगा दिया गया था, मैंने बोला था गाड़ी चेक करो, मुझे भगा दिया गया था। अगर मैं बंदूक की दम पे कोई बात करो तो धर्म उतना ही बंदूक बंदूक है सर, लेके पहुंच जाएंगे जो भी केस है, या तो वापस आश्वासन दो या उनकी एफआईआर। भैया मैं वहाँ पे खड़ा था, वो लोग आए गाड़ी में बैठ के तो लोग भागने लगे, मैं खड़ा था, मेरे को पकड़ के मारा। कौन लोग? वो धनलक्ष्मी के घर के ही थे भैया, बेमतलब में मारा मेरे को, तो मैं तो बस खड़ा था, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था। मामला कल रात का सुनने में आ रहा है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि धनलक्ष्मी ने कल हमारा जो करोड़गंज बड़ा हमारा संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर रात को 11 बजे आके सार्वजनिक रूप से हथियार चमकाए हैं और लोगों के साथ गाली गलौज करके मारपीट भी की है, और एक जो हमारा जय स्तंभ वहाँ बहुत पुराना शासन के द्वारा निर्मित है उसको भी तोड़ा है। और आए दिन हम लोग सुनने में आ रहा है कि धनलक्ष्मी जब से गाडरवाड़ा में आई है, जब से इनका एक आतंक है, उनने अगर यहाँ पर टेंडर लिया है तो वो अपने नियम अनुसार व्यापार करें, उनके व्यापार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर गाडरवाड़ा शहर की शांति को भंग करने का प्रयास न करें। घटना को लेकर पुलिस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल उठाए जा रहे हैं, लोग ऐसा बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और पुलिस ने उल्टा वहाँ पे जो लोग वहाँ पे जब देख के आवाज़ सुन के आए कि कोई चबूतरा टूटा है तो उन्हीं को डांट के भगाया है, और धनलक्ष्मी के जो संरक्षण प्राप्त लोग हैं उनसे कुछ नहीं बोला। तो मेरा तो यह कहना है कि पुलिस संरक्षण में सारा काम हो रहा है और ये कोई कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं है, अभी सभी दल के लोग हैं और ये शहर की अमन चैन और शांति का मुद्दा है। गाडरवाड़ा शहर बड़ा शांतिप्रिय शहर है, इस प्रकार की घटनाएं कभी बर्दाश्त नहीं करता। कल रात की घटना है, धनलक्ष्मी के कुछ लोगों ने शराब पीकर कुछ नौटंकी की है, कुछ हमारे शहर के लड़कों के साथ भी मारपीट की है, उनकी एफआईआर के लिए सारे लोग आए थे, ज्ञापन दिए। बंदूक वगैरह लोगों के अनुसार बंदूक वगैरह भी रखे हुए थे, उसकी भी रिपोर्ट करा। ज्ञापन को लेकर क्या मांगे रहे हैं? उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और कंपनी भविष्य में इस टाइप की कोई घटना न करे, क्योंकि हमारा क्षेत्र शांतिप्रिय है, मगर जितना शांतिप्रिय है उतना सक्षम भी है कि हम किसी चीज़ को डरने वाले नहीं हैं। सारे लोग हम रवि भैया हैं, कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के, सारे लोग जब क्षेत्र की बात होती है इकट्ठे होकर हम सब सारी चीज़ों का सामना करने के लिए सक्षम हैं। शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया? शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुँचा, एक चबूतरा पलोटनगंज का डैमेज किया। मामले को समझकर एसडीएम राजेश शाह ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। अभी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है कि धनलक्ष्मी कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं उनके द्वारा शहर वासियों के साथ कुछ गुंडागर्दी की गई है और कुछ जो आम लोगों की संपत्ति है, चबूतरा है, उसको क्षति पहुंचाई गई है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जो ज्ञापन लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पे है वो उनको पहुंचाया जाएगा। साथ ही जो चर्चा में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है वो अपना एफआईआर दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र, उनकी एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, उभय पक्षों को
अगर उनके साथ घटना कारित हो गई है तो वो उनके साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो भी कार है, कार प्रणाली के संबंध में है, तो जो नियमानुसार चाहे पुलिस की कार्रवाई हो, खनिज विभाग की है, सब कार्रवाई इसमें लगातार रेत के संबंध में शिकायतें होने पर की जाती है। चूँकि अब वर्तमान में धनलक्ष्मी कंपनी को ठेका दिया गया है और उनके द्वारा चूँकि पूरे नरसिंहपुर ज़िले में ठेका लिया गया है, तो अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी है। किंतु अगर इसमें किसी प्रकार गुंडागर्दी की शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं SDOP मामले में मुकदमा कायम करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही हैं। जिस तरह से मेरे पास भी जो न्यूज है कि धनलक्ष्मी वालों ने अशांति और अराजकता गाडरवारा में फैलाई है, उसकी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि गाडरवारा एक शांति का शहर है और हम सबका दायित्व है कि वो शांति बनी रहे। अगर इस तरह की कार्रवाई वो यहाँ पर करते हैं, जिस तरह की लगातार सूचनाएं सारे क्षेत्र से आ रही हैं, तो कल मेरे कुछ साथियों ने ज्ञापन भी दिया है, मैं उनके साथ हूँ और इससे हम लोग इस लड़ाई में, इस संघर्ष में सारे गाडरवारा के लोग साथ रहकर ये अशांति का विरोध करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा, प्रशासन से भी बात करेंगे कि इस तरह का माहौल ये गाडरवारा में ना बनाए। इस मामले में शहर की अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। दहशत फैलाने वाले लोगों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बड़ी घटना का डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गाडरवारा।